सर कंगना रनौत ने फार्मर्स को लेकर, किसानों को लेकर बयान दिया था कि अगर हालात नहीं संभलते तो बांग्लादेश जैसे हो जाते, जिस पर अब बीजेपी ने किनारा कशी की है उनके बयान से। सर देखिए एक बात समझिए, रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर, कंगना जी चॉइस किसकी है, कौन नेता की चॉइस है? ऐसे ऐसे कंगना जी अंगना जी ऐसे ऐसे लोगों को हिला करके राजनीति करिएगा तो क्या पाइएगा? आप हमको बताइए ना, उसको आजादी का पता नहीं, किसी चीज का पता नहीं, तो कंगना और के बारे में इस देश को गंभीरता से कोई लेता ही नहीं है, और बीजेपी के पास कंगना टाइप के चीजों कुछ है ही नहीं। बीजेपी के पास अब कंगना टाइप की ही चीजें बच जाएगी, आप इसको समझिए, तो इसीलिए उसकी उसको ही मत लीजिए। सर बीजेपी कह रही है, सर टीएमसी के नेता हैं कुणाल घोष, उन्होंने कहा है कि जो मूवमेंट छात्रों का या जो हालात बंगाल में दिख रहे हैं इसके पीछे बीजेपी कांग्रेस सब मिली जुली भी है, एक साथ ना बनना मूवमेंट तो चल रहा है सर। देखिए एक बात समझिए, बीजेपी तो का जो सोशल मीडिया है टूल्स है, जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले लिया और जब सीबीआई इंक्वायरी हो गई और जब सब कुछ सामने आ रहा है, पोलियोग्राफी हो रही है, तो आप हमको बताइए ना कि जिस तरीके से भी कहीं ना कहीं बीजेपी का तो बैकअप है ही ना, बीजेपी प्रभोग तो कर ही रही है, जस्टिस के लिए ममता दीदी खुद ही उतर गई है, और अब तो हम तो कहेंगे बीजेपी को अविलंब फांसी की सजा हो, सीबीआई इसकी तैयारी करे, 3 महीना के अंदर खत्म करिए इसको, बेटी के न्याय के लिए अब एक ही काम करना है, राजनीति नहीं करनी चाहिए, जहां भी बेटी का बलात्कार होता है शोषण होता है उसको फिनिश करना चाहिए।